अब हम यहाँ पे बैठ के बाकी लोगों का वेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ से आगे कोई रास्ता ही नहीं था। एक बड़ा सा पत्थर था और आगे कोई भी रास्ता नहीं था, तो हमने सोचा सबका वेट करते हैं क्योंकि अब रूट चेंज करना पड़ेगा, तो फिर साथ चलेंगे। अब सबने कन्फेस कर ही लिया कि थोड़े थोड़े थक चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स हुए, शूज वगैरह खोले और भूख भी लगी रही थी तो सोचा कि कुछ यहाँ पे कुक कर लेते हैं। मैं इतनी थक चुकी थी कि मुझे कुछ करने का मन नहीं था, बट जैसे मैंने देखा कैमरा ऑन है तो मैं एक्टिंग मारने चली गई कि मैं भी हेल्प कर रही हूँ। यहाँ से काफी गाँव को पानी जाता है, हमारे गाँव को भी यहीं से पानी आता है। हम ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर चल चुके हैं और अब फिर से हमको जोरों की भूख लगी है, सो वी हैव 2 मिनट की मैगी। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, मुझे सिर्फ इनको खाना है, आई डोंट इवन हैव टू कुक देम बिकॉज आई हैव शेफ फ्रॉम मुंबई। बट मैं चॉपस्टिक लाना भूल गई थी, इसलिए मेरे लिए चॉपस्टिक बना रहे। टिक तो जाएगी ना इसमें मैगी। जस्ट नीड टू वॉश इट। कभी कभार मन इतना खुश होता है ना, कुछ बोलने का मन नहीं करता है। यहाँ से पानी शुरू हो रहा है और ये पत्थर इतना बड़ा है, ये सिंगल पत्थर है। आई वंडर जब बरसात होती होगी और इस पूरे पत्थर में पानी गिरता होगा तो ये कैसा दिखता होगा। तो अब खाना पीना भी हो गया है, फ्रेश भी हो गए और इस जगह गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है, तो एक दो पिक्चर ले लेते हैं और फिर से अपना हिडन वाटरफॉल ढूंढने चलते हैं।
यहाँ बहुत शोर है क्योंकि फाइनली हम अपनी हिडन लोकेशन पे पहुंच गए हैं। देयर वी गो। अब अगर मैं आपको बात बताऊं तो वो ये है कि जिस बड़े से पत्थर पे हम बैठे थे उसी पत्थर से नीचे गिर रहा था हमारा हिडन वाटरफॉल। तो अब आप पूरा व्यू देखिए कि ये कितना बड़ा पत्थर था और कैसे यहाँ से पानी गिर रहा था और कितना खूबसूरत जंगल था ये। और हम लोग इस हिडन वाटरफॉल को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच गए। वाटरफॉल और जिस बड़े से पत्थर के ऊपर हम बैठे थे ये वहीं से वाटरफॉल गिर रहा है। मुझे मस्ती करते देख मम्मी का मन भी कर गया, इसलिए मम्मी कहते मैं और भी ऊपर जाऊंगी। फिर मुझे बहुत डर लग रहा था तो मैं मम्मी को रोक रही थी कि ऊपर मत जाओ, आप स्लिप हो सकते हो। उफ, बड़ी मुश्किल से मम्मी को समझाया और फिर वापस लेके आई मैं। तो मैं काफ़ी थक चुकी थी बट ये रिफ्रेशिंग सा व्यू देखकर और पानी की आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ, इनहेल एक्सहेल करती हूँ, इससे मेरा माइंड और बॉडी भी थोड़ी फ्रेश हो जाएगी। चलो अब घर वापस चलते हैं। बट कहानी में ट्विस्ट है, वो क्या है कि अब हम सेम रास्ते वापस नहीं जाएंगे, हम दूसरे रास्ते से काफ़ी सारी माउंटेन्स को क्रॉस करते हुए वापस जाएंगे। बेसिकली हम क्लियर नहीं है कि हमारा रास्ता क्या है, इसलिए हम इसी वाटर पाइपलाइन जो आपको दिख रही है ना इसको फॉलो करते करते ही जाएंगे। ऐसे हिली ट्रेन्स में ना रहना बहुत मुश्किल होता है। वाई बिकॉज जैसे पानी की पाइपलाइन यहाँ पे ले कर रहे हैं तो जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वो लोग इस जगह पे रहते थे। कैन यू जस्ट इमेजिन, यहाँ पे रहते थे, ये उनकी गैस है। ये कोई मैं 3-4 दिन पहले की बात बता रही हूँ, तो यहाँ रह के गए और फिर यहाँ से ये पाइपलाइन बिछ रही है जो गाँव के लिए पानी ले जाएगी। सो वी शुड बी थैंकफुल टू पीपल यू नो हु वर्क सो हार्ड फॉर अस।
इतना एडवेंचरस मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया था। ये मतलब शायद 10% है जिस रिश्ते के हम आ चुके, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। रास्ते में पानी गुम हो गया था, मतलब अंडरग्राउंड हो गया था, फिर से यहाँ पे घुसलो में आने लगा। अब हम उस झरने वाले रास्ते से काफ़ी आगे आ चुके हैं और फाइनली एक माउंटेन मिली है। अब हमको इसको क्लाइम अप करना है और जिस तरफ से हम आए थे वहाँ था ये कॉनिफरस फॉरेस्ट, पूरा डार्क ग्रीन है, और इस साइड पे जिधर हमने जाना है यहाँ पे सारा ग्रीन ग्रास है। अपने घर इतनी सुंदर जगह पे रेस्ट करने को मिला है, सामने पाइन ट्रीज है, नीचे झरना फ्लो हो रहा है और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा भी है, थोड़ी धूप भी है, बहुत मज़ा आया। पेंटिंग बनानी पड़ेगी घर जाके। फाइनली एक माउंटेन क्रॉस हो चुकी है और यहाँ से अब हम ब्लू ट्री में एंटर कर रहे हैं। एंड जस्ट लुक एट द व्यू, यहाँ से सारे गांव दिख रहे हैं, सारे वो इंसान दिख रहे हैं जो पाइप लेके आ रहे हैं वहाँ से। ओह गॉड, ये यहाँ पे कैसे लगा पानी का काम कर रहे हैं ये लोग। सो अभी कुछ टाइम क्लीन का रहना सहना इधर ही होगा। कितनी ज्यादा हार्डशिप है। ओह गॉड,
तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमने ये माउंटेन क्रॉस कर दी, वो माउंटेन आपको वैसे तो समझ नहीं आ रहा होगा, तो चलो थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि कौन सी क्रॉस कर दी है और कौन सी अभी करनी है। उधर से शुरू करते नहीं, इधर से ये वाली माउंटेन्स है जो हम क्रॉस करके आ चुके हैं, जहाँ पे इतना थिक डेंस फॉरेस्ट था, और अब हम ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, इन माउंटेन्स पे जाएंगे, और आपको दिख ही रहा होगा कि इनमें रास्ता है या नहीं। और इन माउंटेन्स की फुटहिल्स में जो गांव है, उनमें से एक गांव हमारा भी है, जिसमें मैंने आपको अपना ओल्ड हाउस दिखाया था। यहाँ से इतना सुंदर व्यू दिख रहा है कि मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है। गुफर वही जगह है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेला होता है। पहाड़ों में ना हर गांव में ऐसी जगहें होती है जैसे जुब्बड़, कुफर, धार, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। चलो अब जल्दी जल्दी चलते हैं, ताकि जो वो भैया पाइप लाते हुए दिखे थे ना, उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लें। परे जैसे ही आपको पता ही है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है, परे तो हम पाइपलाइन जोड़ने आए। इस रास्ते से पाइप उठा के मुश्किल नहीं होती? मुश्किल तो बहुत होती है, पर क्या करे, यहाँ से प्यासे मर रहे हैं। अभी इधर से जाना होता है, रास्ता बहुत ही डेंजरस है। रास्ता सच में ही बहुत ज़्यादा खतरनाक था, इसलिए खड़ने की भी जगह नहीं थी, तो वीडियो बनाना तो दूर की बात थी। फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। 21 किलोमीटर्स चले आज हम, और ऐसा रास्ता था, रास्ता क्या, रास्ता ही नहीं था, और 21 किलोमीटर्स चले। आई होप आप सबको ये पसंद आया, और मुझे एक और शाही कबाब मिला है। असली में ऐसा होता है शाही कबाब, वो छोटा सा था जो मैंने आपको पहले दिखाया था, शाही वही पॉकीपाइन, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे मतलब पैसे लिख भी सकते हैं, क्यों ऐसा लग रहा है। बट यस, अब मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, मैं घर जाऊँगी, रेस्ट करूँगी, वो भी शायद थक गई है बहुत ज़्यादा, गाय है वहाँ पे। ओके ओके, सब थक गए, सब थक गए, सिर्फ मैं ही नहीं थकी। ओके एंड सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जो मैं ये शाही के बाल अपने ट्रैक से साथ लेके आई हूँ, इनका कुछ यूज़ करना तो बनता ही है, तो चलो करते हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।